हे एवरीबॉडी, मैं उनको रोसिस्ट एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या कैमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज तारीख है 27 अक्टूबर और आज हम पढ़ेंगे 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज द हाइट ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट बैट डिजाइन बाय पेरनॉड रिचर्ड इंडिया लिमिटेड। पेरनॉड रिचर्ड इंडिया लिमिटेड ने जो दुनिया में सबसे बड़ा बैट बनाया है उसकी हाइट क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन है भैया। कितना बड़ा ये 56.1 फीट, ये इतना बड़ा ये बैट है। ठीक है, 56.1 फीट, और ये हैदराबाद में है ना। तो बहुत सारी ये मतलब अभी एक होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, लोग बाग जाके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाके यहाँ पे सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक केंद्र बन चुका है भैया, लोग बाग इसे देखने के लिए जा रहे हैं, है ना। अजूबा है ये अपने आप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का क्वेश्चन था ये, तो इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बफलो काल्फ ऑफ विच ब्रीड बोर्न इन गुजरात बाय टेस्ट ट्यूब। तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है, बफलो मतलब भैंस। ठीक है, तो भैंस का जो बच्चा होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी से हुआ है, इंडिया का पहला। तो अब ये पूछ रहा है कौन सी ब्रीड है, तो भैया ये ब्रीड है बानी। ठीक है, बन्नी ब्रीड। ठीक, बन्नी ब्रीड कहाँ पे, गुजरात में हुई है, बफलो की है। ठीक है, और इंडिया का पहला ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी है ये। ठीक है, बफलो। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इंडिया की पहली स्टेट वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लैब किस शहर में इनॉग्रेट हुई है, बताइए किस शहर में इनॉग्रेशन हुआ है इसका। तो ये है नागपुर शहर। ठीक है, ये है नागपुर शहर महाराष्ट्र। ओके, नागपुर शहर महाराष्ट्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड QR क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड बोलते हैं ना, तो उसकी फुल फॉर्म यहाँ पूछ लेगा, QR कोड की क्या फुल फॉर्म है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो किस बैंक ने हाल ही में QR कोड लॉन्च किया है, QR कोड साउंड बॉक्स टू बूस्ट इट्स डिजिटल पेमेंट्स। तो अपनी डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने हाल फिलहाल में ही अपना QR कोड लॉन्च किया है, तो भैया ये किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और भैया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये है जयपुर में। ठीक है, 1996 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, लोन वोन प्रोवाइड कराने वाला बैंक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन हेल्ड एट ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क डेनमार्क। तो ओडेंस स्पोर्ट्स पार्क डेनमार्क में जो मेंस सिंगल बैडमिंटन ओपन हुआ है, ठीक है, डेनमार्क ओपन हुआ है, तो वो किसने जीता है, तो जल्दी से बताइए वो किसने जीता है। तो ये जीता है विक्टर एलेक्सन ने जीता ये। ठीक है, तो भैया 2021 का मेंस सिंगल डेनमार्क ओपन किसने जीता है, विक्टर एलेक्सन ने। और ये कौन है, डेनिश बैडमिंटन प्लेयर है विक्टर एलेक्सन। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसी, या गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च अ डिजी बुक नेम इनोवेशन फॉर यू। तो इनोवेशन फॉर यू एक डिजी बुक है,
ठीक है, डिजिटल बुक है, ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं, डिजी बुक, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं डिजी बुक, कौन सी है, इनोवेशंस फॉर यू, इनोवेशन फॉर यू, मतलब जो भी खोज करी जा रही है नई नई वो किसके लिए करी जा रही है, आपके लिए करी जा रही है, इनोवेशंस फॉर यू। और ये किसके द्वारा किया गया है भैया लॉन्च, ये की गई है नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है, ओके, नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इन कोलैबोरेशन विद विच टू कंट्रीज हैव प्लान्ड टू लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आयरिस ऑन द साइड लाइन्स ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26। देखो, इंडिया ने किन दो देशों के साथ डील साइन करी है, किन दो देशों के साथ डील साइन करी है फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ठीक है, तो जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनमें क्या भैया, उनमें डेवलपमेंट के लिए, मतलब रेजिलिएंट मतलब लचीलापन, मतलब आसानी से जहाँ पे डेवलपमेंट करा जा सके, ठीक है, तो डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे आइलैंड स्टेट्स हैं, ठीक है, जो हमारे आइलैंड स्टेट्स हैं इनमें डेवलपमेंट करने के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ डील साइन करी है, तो ये हैं कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ओके, तो COP26 का नाम आप याद रखोगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ओके, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, विच स्टार्टअप ऑफ इंडिया हैज बीन अनएनिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। देखो, अनएनिमसली मतलब क्या होता है कि गुप्त तरीके से, ठीक है, गुप्त तरीके से, तो गुप्त तरीके से मतलब या फिर किसी को बिना बताए चुपचाप जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं एनोनिमसली, ठीक है, अनएनोनिमसली, तो उसे प्रेसि के किस स्टार्टअप को, किस ऑर्गेनाइजेशन को, इंडिया के किस ऑर्गेनाइजेशन को चुपचाप प्रेसिडेंट बना दिया गया है, किसका, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का, WAIPA का, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज WAIPA का प्रेसिडेंट चुना गया है। तो भैया ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इन्वेस्ट इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया बन चुका है प्रेसिडेंट फॉर WAIPA, ठीक है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन एजेंसी है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये अपने आप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फॉरामिनिफेरल रिसर्च। फॉरामिनिफेरल मतलब कि जो होती है ना माइक्रोफॉसिल्स वाली, ठीक है, माइक्रोफॉसिल्स में इन्होंने रिसर्च करी है, माइक्रोफॉसिल्स, ठीक, माइक्रोफॉसिल्स फॉरामिनिफेरल, ठीक है, तो फॉरामिनिफेरल मतलब माइक्रोफॉसिल्स, ठीक, तो ये बोल रहा है कि जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड 2022 के लिए किसे मिलेगा, ठीक है, किसे सेलेक्ट किया गया है, तो ये सेलेक्ट किया गया है भैया डॉक्टर राजीव निगम को, तो डॉक्टर राजीव निगम को 2022 के लिए जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड मिलेगा, और इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले भारतीय हो जाएंगे, ठीक है, पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड को पाने वाले कौन, डॉक्टर राजीव निगम, ठीक है, ओके, तो ये भी अपने आप में देखो, यहाँ से दो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि भैया 2022 के लिए जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड किसे मिलेगा, फॉर किस कैटेगरी में, फॉर एक्सीलेंस इन फॉरामिनिफेरल रिसर्च, या फिर आपसे बोल देगा माइक्रोफॉसिल्स की रिसर्च के लिए, तो वो मिलेगा राजीव निगम को। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड पाने वाले, जोसेफ ए कुशमैन रिसर्च अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय का नाम बता दो, तो राजीव निगम, ठीक है, ओके, तो इस तरह से
आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू सिटीज विल बी अ पार्ट ऑफ IPL इंडियन प्रीमियर लीग फॉर 2022. तो हाल ही में अभी जो मंडे या ट्यूसडे में जो रिसेंटली गया है, ठीक है, उसमें दुबई के ताज होटल में IPL के लिए दो टीम्स बनाई गई हैं. ठीक है, IPL के लिए दो नई टीम बनाई गई हैं. 2022 में जो IPL होगा वो दो टीम लॉन्च होंगी, उसमें कौन कौन सी, अहमदाबाद और लखनऊ. तो यूपी वालों के लिए एक खुशखबरी है कि उनकी खुद की एक टीम आने वाली है, एंड सेम फॉर गुजरात. ठीक है, ओके. तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इन दोनों फ्रेंचाइजीज को खरीदने वाले ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज कौन कौन सी हैं. तो आप मुझे बताओगे कि अहमदाबाद को कौन खरीद रहा है, कौन सी कंपनी खरीद रही है, और लखनऊ को कौन खरीद रहा है. ठीक है, लखनऊ के लिए कौन, किस लखनऊ फ्रेंचाइज किसने खरीदी है, आप लोग ये बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में. ठीक है गाइज, ओके. तो ये थे आज के यानी 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स. इसी तरह से हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के साथ, 28 तारीख के नए करंट अफेयर्स के साथ. तो गाइज, इन सेशंस की PDFs के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप हमारे विद्या कैमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, वहीं पे आपको इन सेशंस की PDFs मिलेंगी, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. और गाइज, हमारे साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन को, विद्या कैमी की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज करके. गाइज, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर पढ़ाई होती है तो मेहनत और वो गाइडेंस रंग लाती है. तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन उस प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप विद्या अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और इन सेशंस की PDFs जो आपको फ्री में मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर कोई पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आया तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए. जय हिंद.